मैं कांतिलाल राजपुरोहित, गांव डूडसी, जिला जालौर, हाल बेंगलुरु। आज समाज के पटल पर विषय है समाज के ठेकेदारों का। आज इस विषय पर हमें सुझाव देने का कहा गया है। विशेष हमारे राजपुरोहित समाज में ये अपनी अपनी ठेकेदारी लेने का सभी ने बीड़ा उठाया हुआ है। कहीं पर भी जाओ, किसी भी जिले में जाओ, सब जगह एक समाज के 5-7 लोग जो अपनी ठेकेदारी चलाते हैं। पहले ज़माने में ये चलता था, लेकिन उसमें कुछ परिपाटी होती थी, सत्यता होती थी, अपना पराया भेदभाव नहीं होता था। लेकिन अब कुछ सालों से ये अपने अपने परिवारजन, अपने अपने मित्र, अपने अपने रिलेशन सभी देखकर फैसले हो रहे हैं और सही और गलत का कोई अनुमान नहीं लगाते हैं। इसलिए सही को सही और गलत को गलत कहने का अधिकार हमारे युवा रखें, और इस तरह की प्रथा, जो कुप्रथा हम कहेंगे, ठेकेदारी वो कुप्रथा है, इसके खिलाफ हमारी आवाज़ को बुलंद करना है और इसे मिटाना है। क्योंकि ये आज जितना पैर पसार रही है, आगे जाके इस समाज को खोखला कर देगी। गुरु महाराज ने इस समाज को बनाया कि सही दिशा में सही तरह से दूसरी जाति या दूसरे समाज के लोग हमारे राजपुरोहित समाज से कुछ सीख ले, लेकिन हमारा समाज इन ठेकेदारों के हाथों में आने से बहुत ही दुखी और प्रतिबिंबित है। लोग बोल नहीं पा रहे, आवाज़ नहीं उठाते, जो आवाज़ उठाता उसे दबा दी जाती है। इसलिए मैं सभी युवाओं को आह्वान करूंगा कि इस तरह अपना विरोध दर्ज कराए और किसी भी कठिन परिस्थिति में इस ठेकेदारी के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तभी ही राजपुरोहित समाज में ये कुरीतियां समाप्त होगी। जय गुरुदेव, जय केतेश्वर।